लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अभी दरअसल दो दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को वहां से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी तेज प्रताप का टिकट काटेगी और खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान आज हो सकता है। बताया जा रहा है कि कन्नौज में उठ रही मांग को देखते हुए अखिलेश यादव ये फैसला ले सकते हैं। गिरफ्तारी के पुलिस के सामने अकड़ दिखाने वाला संदेशकाली का मास्टर माइंड अब रोता हुआ दिखाई दिया है। सीबीआई की गिरफ्त में उसके रोने की तस्वीरें सामने आई हैं। शाहजहां शेख अभी ईडी की जो है सीबीआई के पास में है और कल सीबीआई ने उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उसकी बेटी जब कोर्ट में पहुंची तो उसे देखकर शाहजहां शेख रो पड़ा। यही शाहजहां शेख है जिसने गिरफ्तारी के बाद से पहली बार कोर्ट में पेश होते वक्त हेकड़ी दिखाई थी और अब वो रो रहा है। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है और ममता सरकार को घेरा है। शाहजहां शेख पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है, कई महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है। वो शाहजहां शेख जब अपनी बेटी को देखता है तो रोता है। पहले हेकड़ी दिखाया जब पहली बार वो लगभग 55 दिनों के बाद जब पकड़ा गया, जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद कुछ इस तरह से वो हेकड़ी दिखा रहा था। लेकिन अब जब कस्टडी सीबीआई को मिली तो उसके बाद से अब आंखों में आंसू भी है, चेहरे पर मायूसी भी है और चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ आंसू बहाता दिखाई दिया है संदेश खाली का मास्टरमाइंड, जिस पर कई सारे इल्जाम लगे हैं। अब एक खबर हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी की, जहां से कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स लगे हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बात। ये पोस्टर कांग्रेस दफ्तर के आसपास लगे हैं। कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली जारी है। आज वो फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर पहली रैली उनके सरगुजा में होने वाली है और उसके बाद वो सागर और बैतूल में रैली करेंगे, फिर शाम को भोपाल में रोड शो की तैयारी है। इस जबरदस्त चुनावी प्रचार के बीच पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर उन्होंने वार किया। कल उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी सभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है।
आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मंगल सूत्र और घुसपैठिए वाले बयान के खिलाफ दर्ज शिकायत को लेकर चुनाव आयोग विचार कर रहा है और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी के बयान की कांग्रेस की तरफ से शिकायत है। खबरों के मुताबिक जल्द ही आयोग इस पर विस्तार से चर्चा करेगा और पीएम के उसी बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने जोरदार पलटवार किया है। बेंगलुरु में चुनावी सभा के दौरान प्रियंका ने कहा कि मेरी मां का मंगल सूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में, अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पर उठते हुए सवाल, और इस बीच में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित बयान भी दे दिया। मंगलवार को वो उदयपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, मीडिया से बात कर रहे थे और उसी समय पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बोल बोले। कब हुए? 19 तारीख, 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई, विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रैली कर रहे थे तो वहां पर एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। एक लड़की खुद के बनाए पीएम मोदी को लेकर रैली में पहुंची, तस्वीर को लेकर, और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर पड़ी तो उन्होंने माइक के जरिए लड़की से तस्वीर मांगी और चिट्ठी लिखने का वादा भी किया। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी, क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। अगली खबर गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जिन्होंने बेंगलुरु में चुनाव प्रचार किया और बेंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के लिए उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस रोड शो के बाद शाह ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक के लोग प्रधानमंत्री मोदी को फिर से सत्ता में लाने के लिए तैयार हैं।